अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन कलेजी सिंधी मसाला रेसिपी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं बनाने के लिए। अगर आप ये सिंधी एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार बनाकर खाने का मन होगा। तो खन्नी में हम डालेंगे 20 ग्राम जैसा लहसुन, 20 ग्राम जैसा अदरक, और तीखा आपके ऊपर है, कम ज्यादा तो उतना ही हमने हरी मिर्च ले ली। इन सारे चीजों को दरदरा कूट लेते हैं। इस तरह हमें दरदरा कूटना है, बहुत बारीक पेस्ट भी नहीं बनाना है, इससे बहुत ज्यादा टेस्ट आता है। और हमने 1 चम्मच काली मिर्च ले लिया, 1.5 चम्मच हम जीरा लेंगे और थोड़ा सा नमक डालकर इसे बारीक सा कूट लेते हैं। तो बारीक सा पाउडर बना लेते हैं हम फटाफट से। हमने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन लिए है, 500 ग्राम जैसा हमने कलेजी लिए और 500 ग्राम जैसे हमने पत्थरे लिए। इन सारी चीजें को अच्छे तरीके से साफ करके हमने धो लिए। 1 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, एक से 1.5 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। तीखा आपके ऊपर है, कम ज्यादा कर सकते हो। तो हमने 1 से 1.5 चम्मच डाल दिए है। अब इसमें हम डालेंगे कूटा हुआ मसाला, जो हरा हमने कूटे थे, अदरक लहसुन दरदरा ही कूट कर हमें डालना है। और जो काली मिर्च और जीरा हमने कूटे थे वो भी डाल देते हैं। और 3 से 4 बड़े प्याज डालेंगे इसमें हम। तो स्वाद अनुसार हम नमक डाल दे रहे हैं, काली मिर्च के अंदर हमने कूटे थे, जब भी नमक डाले थे तो इसके हिसाब से अब डालेगा। तो 4 से 5 प्याज हमने डाल दिए बारीक काटा हुआ, क्योंकि और 3 से 4 बड़े चम्मच हम तेल डालेंगे। हम इसमें तेल डालने के बाद इसे हम चम्मच से मिक्स करेंगे। आप हाथ से मिक्स कर सकते हो, क्योंकि ये रेसिपी हमारी मम्मी जी की रेसिपी है। हमारी मम्मी कभी भी ये बनाती थी तो हाथ से मिक्स करती है। हाथ से मिक्स करने से ऐसा होता है कि एक अच्छा सा टेस्ट आता है। मुझे हाथ से करने में थोड़ा वो हाथ में जलन के फील हो जाता है, इसलिए मैं हाथ से मिक्स नहीं कर रही हूँ। अगर आपकी स्पाइसी से ऐसा नहीं है तो आप हाथ से मिक्स कर सकते हो। हमने चम्मच से मिक्स किया है, तो अच्छे से मिक्स कीजिए। आधा ग्लास जैसा हम पानी डाल देते हैं, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। ऑलरेडी ये चिकन है वो पानी रिलीज करेगा, कलेजी पथरी। तो इसे अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। पानी डालने के बाद इसे ढक्कन से कवर कर देते हैं, गैस के ऊपर रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो 10 से 15 मिनट हो गए, हम ढक्कन खोल कर देख लेते हैं एक बार। तो काफी पानी रिलीज हुआ है, आपको देख रहा होगा कितना ज्यादा पानी छोड़ा है। तो एक बार इसको हल्के हाथ से हम चला देते, क्योंकि इसके अंदर कलेजी है तो इसे हमें प्रेशर डालकर नहीं चलाना है। फिर से ढक्कन से कवर कर देते हैं। तो ढक्कन हमने निकाल दिए है 10 से 15 मिनट के बाद। तो अब अच्छे से तेल हमारा चिकन काफी तेल छोड़ दिया है, क्योंकि चिकन कभी भी पक जाता है तो तेल अपना छोड़ देता है। तो हमारा चिकन पक चुका है, चिकन कलेजी मिक्स जो है अच्छे तरीके से पक चुका है, काफी तेल छोड़ दिया है। तो अच्छे से हम हल्के हाथ से मिक्स कर देते हैं और इसमें थोड़ी सी कोथमीर डालकर इसे हम अच्छा से मिला लेते हैं। और तो इतना लाजवाब बनता है ये सिंधी कलेजी रेसिपी। अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपको बार बार बनाने का मन होगा। आप इसे रोटी चावल किसी के साथ खा सकते हो। तो चलते हैं फटाफट से सर्व कर लेते हैं। इतनी बेहतरीन बनती है ये पथरी खाने, जो पथरी ना खाता हो वो भी खाने लगेगा, इतना लाजवाब बनता है। मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी।